पत्थर को कट कर यहाँ से बना हुआ है। यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि यहाँ पानी भी है। और अभी जस्ट हम घर से निकल चुके हैं बाइक से, और आज कोई प्लानिंग नहीं है कहीं प्रॉपर जाने का, सिर्फ आज ऐसे ही घूमना है, देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो आज लमसम दिन भर हमको इसी तरह घूमते रहना है। तो फिलहाल अभी हम जस्ट घर से निकले हैं और अभी घर से करीब 2 किलोमीटर आगे भी आ गए हैं, जो बड़का गांव से करीब 7 किलोमीटर आगे होता है। और अभी हम प्रॉपर तरीके से सिर्फ आज घूमने का वीडियो मिलेगा आपको, पर्सनल कोई लोकेशन पे वीडियो आज नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल स्थल पे आज कोई हम नहीं जा रहे हैं। आज देखते हैं, आज मन की बात सुनना है कि जिधर मन कर गया उधर आज जाने वाले हैं। काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हरियाली भी है, सरसों का खेत भी काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा आ रहा है। धीरज नहीं है आज, हम कोई भैया के साथ बाइक में बैठे हुए हैं और धीरज आगे जो बाइक जा रहा है पल्सर उसमें बैठा हुआ है। और हम लोग 5 लोग आज घूमने के लिए निकल चुके हैं, तो देखते हैं पूरा दिन आज मस्ती करेंगे और पूरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा कि हम दिन भर कहाँ जाते हैं मस्ती करने के लिए, आज क्या क्या करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो अभी हम आ चुके हैं बादम पचपहनी मंदिर, आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मंदिर है यहाँ पे। और अभी हम लोग मंदिर पास खड़ा है लेकिन मंदिर का गेट में भी ताले लगा हुआ है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। पर्सनल किसी दिन पूजा करने के लिए यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है बादम का पचपहनी मंदिर। मंदिर का पूरा सीन देख सकते हैं, ये मेन गेट है, यहाँ से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और इसी के बगल में नदी बहा हुआ है, जो पत्थर के कट कर नदी बहा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा इमेजिन लगता है देखने में। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चट्टानों के बीच से पानी निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गहराई है यहाँ पे, पूरा गहराई कैप्चर करके आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है नीचे लंबने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग खाई है आप लोग को देखने के लिए यहाँ मिलेगा, जो सिर्फ पत्थर को कट कर बना हुआ है, अपने से कोई बनाया नहीं है और पूरा पूरी प्राकृतिक तौर तरीके से पानी के द्वारा पत्थर को काट कर बना हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ गहराई भी बोला जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन लग रहा है आपको देखने में। अभी मैं सामने आ गया हूँ, यहाँ से पानी बह रहा है, पत्थर को कट कर यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि यहाँ पानी भी है। जो उधर से पानी बह के आया हो यहाँ पे आके अंडरग्राउंड हो गया है और नीचे से पत्थर को कटिंग करके आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सूखा हुआ है, और उधर का पानी डायरेक्ट इधर जाके निकला हुआ है और डायरेक्ट यहाँ से जाके सीधा नदी पे मिला हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग लुक है यहाँ से, बहुत ही बड़ा खंडर टाइप से यहाँ से दिख रहा है और ये सीधा जाके प्रॉपर तरीके से नदी में जाके पानी मिल जाता है। पत्थर को कटिंग करके पतला सा नाली की तरह बनाया गया और यहीं से पानी फिर प्रॉपर तरीके से निकला हुआ है। आपको मंदिर का पूरी तरह से आपको लुक देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि मंदिर का इस साइड आ चुका है, जो खंडर था वो खंडर को हम पार करके लंबा टर्निंग से पार करना पड़ा, साइड से रास्ता बना हुआ था और उस खंडर को हम पार करके दूसरा साइड में हम आ चुके हैं। आपकी दिखाने वाले हैं कि पहले जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो उस साइड से कर रहे थे, अभी आप देख सकते हैं हम उस सीढ़ी से वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हम रिकॉर्ड करके आपको पूरा खंडर का दृश्य दिखा रहे थे, और अभी हम प्रॉपर इस तरफ आ चुके हैं उसका अपोजिट साइड में, इधर बड़ा सा चट्टान है और चट्टान को कटिंग करके ही पूरा खंडर बना हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इमेजिन तरीके से यहाँ चट्टान बना हुआ है, और इधर है आपको भी दिखाने वाले हैं जो नदी बह के आया है
वो इस तरफ से आया है और जितना जंगल का पानी होता है वो जंगल का पानी ही बह के यहाँ पे आया है और यहाँ खंडर बना दिया है। पानी कट इन करके बनाया है, कोई इंसान ने इस खंडर को नहीं बनाया है, ये प्रॉपर प्राकृतिक तौर तरीके से बना हुआ खंडर है। आप देख सकते, बहुत ज़्यादा इमेजिंग लगा हमको देखने के लिए। और इसी नदी है जो बह के आया है। और फिलहाल अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं, सब कुछ देख लिए हैं और पता नहीं आगे का क्या प्लानिंग है, मुझे कुछ पता नहीं था, अचानक हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और आगे, इसके आगे भी हम लोग को प्लानिंग नहीं है कि प्रॉपर हम लोग को कहाँ जाना है से, बट आज पूरा दिन सिर्फ घूमना है, सरस्वती पूजा है तो पूजा वगैरह करके घर से निकल गया हूँ और पूरा दिन आज घूमना है। पूरा दिन का वीडियो आप लोग को मिलेगा कि मैं आज कहाँ इंजॉय कर रहा हूँ। फिर से हम लोग घर पहुंच गए हैं, घर में खाना वगैरह सब कुछ खा के, और अभी फिर से हम बड़का गाँव के लिए अभी निकले हुए हैं। अभी अपना घर से हम करीब 3 किलोमीटर आगे बड़का गाँव की तरफ आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम बड़का गाँव पहुंचने वाले हैं। और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग को नदी पार करना है, तो अभी पुल बन ही रहा है, पुल पूरा बना नहीं है। और बाइक को भी पार करना है तो हम उतर के जा रहे हैं बाइक से पैदल, और अभी धीरज बाइक को पार करेगा। तो बड़का गाँव आए थे शोरूम नंबर प्लेट लगवाने के लिए, वो काम हो चुका है और अभी यहाँ से नाश्ता करके होटल में और अभी निकलेंगे घर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ जाम भी लग चुका है और अभी जा रहे हैं लोग गाड़ी यहाँ पर खड़ा करके, और अभी चलते हैं उस होटल में संजय स्वीट्स में और पहले नाश्ता करते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ होटल संजय स्वीट्स, यहाँ बड़का गाँव का एक फेमस होटल है एक प्रकार से, सब मतलब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है सब यहीं लेके आता है। और फिर अभी हम लोग कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं और दिखाते हैं, अभी यहाँ डिस्कस हो रहा है कि क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं, तो अभी फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी मंगा चुके हैं छोला भटूरा, आप देख सकते हैं, और यहाँ भैया बैठे हुए हैं, श्याम भैया हैं, और अभी हम लोग अब खाने जा रहे हैं और खा के फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग बड़का गाँव से निकल रहे हैं, अभी जस्ट होटल से निकले, खाना वाना खा के नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। चूँकि काफ़ी टाइम से हम घर से भी निकले हुए हैं तो घर भी जाना बहुत ज़रूरी है अभी।